Good morning, my dear students, and I welcome you all to the Residential Paramount to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. And today I am going to teach for the students of class 6th and the 6th chapter in English, that is manners. My dear students, manners and disciplines play a very important role in the life and in the progress of life of everyone. So this is very important thing to be good mannered student, whether you are a student, you are a man, where you are a child or adult, or you can say that manners is required, manners is important in the every step of life. So this is the poem about manners. Here we will talk about Abba, who is taught manners by his grandfather. Okay, so let us start now. My grandfather said to me, as we sat on the wagon seat, be sure to remember to always speak to everyone you meet. मतलब है कि my grandfather said to me, मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं, एक लड़का जो कि बता रहा है कि मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं, as we sat on the wagon seat, जैसे ही हम लोग wagon seat, देखिए wagon seat का मतलब क्या है, wagon मीन्स घोड़ा गाड़ी. आप देखते होंगे कि ये काट गाड़ी होती है, आगे घोड़ा लगाया हुआ होता है और उस पर एक चालक होता है, फिर उसमें दो चार पांच राइडर्स जो होते हैं, जो यू नो ट्रेवलर होते हैं, उस पर बैठ करके जाते हैं, सवारी चार से पांच सवारी उसमें बैठ पाते हैं. घोड़ा गाड़ी जो अभी तो बहुत कम देखा जाता है इसको चलते हुए सड़कों पर, पहले बड़ी तादाद में घोड़ा गाड़ी चला करती थी. When you will ask to your parents, then they will surely tell you about this wagon seat. Okay? तो लड़का कहता है कि my grandfather said to me, as we sat on the wagon seat, जब हम लोगों ने वैगन सीट पे बैठा अर्थात घोड़ा गाड़ी पे बैठा, तो दादाजी मुझसे कहते हैं, be sure to remember to always speak to everyone you meet, कि जिससे तुम्हारी मुलाकात होती है, ये निश्चित करो कि उन्हें उनसे बात करना जरूरी है, याद रखो कि उनसे बात करना है. ऐसा चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उनके समक्ष आप उनके साथ बैठते हैं तो आप कुछ बातें उनसे करेंगे. डैट इज द गुड मैनर, एक मैनर जो हम लोगों ने देखा. फिर है वी मेट अ स्ट्रेंजर ऑन फूट, जब उस गाड़ी पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारी मुलाकात यानी मेरी और मेरी मुलाकात और मेरे दादाजी की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से. किससे होती है? वी मेट अ स्ट्रेंजर ऑन फूट, जो कि पैदल चल रहा होता है, एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा होता है. माई ग्रैंड फादर स्वीप टैप्ड हिज हैट, गुड डे सर, गुड डे, अ फाइन डे. दादाजी कहते हैं आपका दिन शुभ हो सर, आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा हो आपका दिन. एंड आई सेड इट एंड बोर्ड वेयर आई सैट, और जहां मैं बैठा था वहीं से अपने सिर को झुका करके, और उन्हें जिन्हें दादाजी ने कहा था, उस अजनबी जो सड़क पे चल रहे थे, दादाजी ने बोला आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, मैंने भी सिर झुका करके और कहा. मतलब क्या है कि दादाजी उस बच्चे को मैनर को सिखा रहे हैं और वो बच्चा भी इंटरेस्टेड है उस मैनर को सीखने में. When we overtook a boy we knew, with his big pet crow on his shoulder, always offer everyone a ride, don't forget that when you get older. अब देखिए, then we overtook a boy. अब जो है जब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक लड़का को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब एक लड़का जो चल रहा है उससे मेरा ये घोड़ा गाड़ी है ओवरटेक कर रही है, और हम लोग
उस लड़का को देखे, वी न्यू, और उस लड़का को हम लोग पहले से भी जानते थे, वो अपरिचित नहीं था, वो नया नहीं था, विद हिज बिग पेट क्रो ऑन हिज शोल्डर, और वो लड़का अपने कंधे पे अपने पालतू कौवे को रखे हुए था। ऑलवेज ऑफर एवरी वन अ राइड, डोंट फॉरगेट डैड व्हेन यू गेट ओल्डर। अब दादाजी कहते हैं कि देखो, जब कोई अगर परिचित आपको मिलता है तो उसे क्या करो, राइड दो, अर्थात उसे भी अपने सवारी में बैठा लो, ये बात बूढ़ा होने तक ध्यान में रखना, ठीक है। माई ग्रैंड फादर सेड, सो विली क्लाइंब अप विद अस, बट द क्रो गेव अ काउ एंड फ्लू ऑफ, आई वॉज वॉरिड हाउ वुड ही नो वेयर टू गो। अब दादाजी ने जब उस लड़के को बोला कि आओ, तो लड़का क्लाइंब अप किया, चढ़ गया उस घोड़ा गाड़ी पे, और कौवा जो उसके कंधे पे था वो उड़ गया है, काऊ करके और उड़ जाता है। अब लड़का कहता है कि अच्छा, यहाँ लड़का कौन है, ये लड़का राइटर है, दिस पोएम, इस पोएम का राइटर है। माय ग्रैंडफादर सेड सो विली क्लाइंब अप विद अस, बट द क्रो गेव अ काउ एंड फ्लू ऑफ, आई वॉज वॉरिड, जब उड़ गया वो कौवा तो मैं, कौवा कब उड़ जाता है कि वो जिस लड़का का वो कौवा रहता है, वो लड़का तो वैगन सीट में बैठ जाता है, किसके रिक्वेस्ट पे, वो लड़का और उसके दादाजी के रिक्वेस्ट पे, तो जब विली नाम का वो लड़का है जो चढ़ता है, जब वो चढ़ता है तो कौवा उड़ जाता है। अब जो दादाजी के साथ जो लड़का है वो कहता है कि आई वॉज वॉरिड हाउ वुड ही नो वेयर टू गो, कि उस कौवे को क्या पता होगा वो कहाँ जाएगा, ये इसका जो मालिक है वो तो हमारे गाड़ी में सवार हो गया, लेकिन वो लड़का कहाँ जाएगा, वो कौवा कहाँ जाएगा। बट ही फ्लू अ लिटिल वे एट अ टाइम फ्रॉम फेंस टू फेंस पोस्ट टू फेंस पोस्ट अहेड, वो आगे आगे चल रहा था, कहीं रुक रहा था, चल रहा था। And when Willy whistled, he answered, जब Willy उसे चुचकारता तो कौवा जवाब भी देता था। A fine bird, my grandfather said, दादाजी ने कहा काफ़ी अच्छा पक्षी है ये। And he is well brought up, और इसका देख रेख भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। सी ही answers nicely when he is spoken to, देखो उस कौवे को जब भी कुछ कहा जा रहा है उसका जवाब वो दे रहा है, इससे पता चलता है कि उस कौवे का देख रेख और उसका देखभाल, उसका brought up का मतलब होता है रख रखाव, देखभाल करना, पालन पोषण करना, उसका पालन पोषण अच्छा किया गया है इस लड़के के द्वारा। मैन और बीस्ट डैट्स गुड मैनर्स, बी सी ओ डैट यू बोथ ऑलवेज डू। अब दादाजी कह रहे हैं कि चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, उसे उसके पास उसका मैनर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी आचरण अच्छी होनी चाहिए। बी सी ओ डैट यू बोथ ऑलवेज डू, तुम दोनों, मतलब वो लड़का और विली और ये जो दादाजी है इनके पोता, दोनों को दादाजी बता रहे हैं कि चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो, उसे गुड मैनर होना चाहिए, तुम दोनों इस बात का ध्यान रखो। व्हेन ऑटोमोबाइल्स वेंट बाय, जब कभी भी कार जा रही है, गाड़ियां जा रही है, ऑटोमोबाइल जो पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ी है वो जब चल रही है, द डस्ट हिट द पीपल्स फेसेस, लोग जो चल रहे हैं उन लोगों के चेहरे को ढक दे रहा है सड़क का धूल। बट वी शाउटेड गुड डे फाइन डे एट द टॉप ऑफ आवर वॉइसेस, लेकिन हम लोग ऊंची आवाज में शुभ दिन बहुत ही शुभ दिन बोलते जा रहे थे। When we came to Hostel Hill, जब हम लोगों ने एक पहाड़ी तक पहुंचा, he said that the mare was tired, दादाजी ने कहा कि घोड़ा अब थक गया है। So we all got down and walked, हम सब लोग उतर गए और पैदल चलने लगे, as our good manners required, जैसे कि हमारी अच्छी आचरण को ज़रूरी है कि हमें जब घोड़ा थक गया तो उसे भी आराम देना है, चूँकि वो जानवर है तो क्या है, उसमें भी प्राण है और वो भी थकता है, कमाता है और वो भी थकता है इंसानों के तरह, अतः उसे ज़्यादा थकाना सही नहीं है, अब हम लोग उतर करके और पैदल चले। तो दिस वे माई डियर स्टूडेंट्स वी कम्प्लीटेड दिस पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।